हेलो गाइस, तो कैसे आप सब आई हो? अच्छे होंगे। स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 9 का बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। उसी पे सेम 8 चैप्टर पे बेस्ड है कुछ ये क्वेश्चन, है ना? जैसे 8 चैप्टर पे जैसे कई चीजें उसकी काम आएंगी, अपने छोटी मोटी चीज साइन कोस बस, ये ज्यादा ज्यादा हाई लेवल काम नहीं आएगा, ओनली लो लेवल काम आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले किसी भी चीज, कोई क्वेश्चन हो जिसमें डायग्राम बन रहा हो तो डायग्राम बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए नहीं इस चैप्टर में तो डायग्राम बना के फिर करो, क्योंकि डायग्राम से जितना अच्छा समझ में आता है ना उतना वैसे नहीं आएगा। ये कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है, वो एक सीधी लगी डोरी पर चल रहा है, रस्सी है कोई भी उस पे चढ़ रहा है, ठीक है, रस्सी पे चढ़ रहा है ऊपर, तो उससे सीधे लगे उसी जमीन पे आगे लगे एक खंबे पे है ना, वो बंधी हुई है ऊपर। कैसे मैं आपको बताता हूं, ये सपोज ए बी और ए सी, ये जमीन है, ये क्या है खंबा, खंबा तो सीधा ही होगा, तो वो चढ़ रहा है ऊपर, चढ़ रहा है, सीधा नहीं चल रहा है ऊपर, चढ़ रहा है ऊपर की साइड। इसी के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन जाता है उसके चढ़ता है जिस हिसाब से वो, ठीक है। ये दूरी कितनी बताइए, 20 मीटर। 20 मीटर से लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अपन को पूछ क्या रहा है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा से देखो। एक सर्कस का कलाकार है, रस्सी चढ़ रहा है, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर, तो उसे सीधे उसी भूमि पर आगे क्या है खंबा, उसके ऊपर वाले बिंदु से बंधी हुई है, इन चोटी पे बंधी हुई है, ये ऊपर चढ़ रहा है, इसकी लंबाई 20 मीटर, वही इसी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो जमीन के साथ, 30 डिग्री का, और अपन को खंबे की क्या पूछती है, ऊंचाई। सिंपल ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन ने लिखा गया वो बता देते हैं। क्योंकि रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई क्या है, ए सी इक्वल कितनी है, 20 मीटर। माना खंबे की ऊंचाई क्या, ऊंचाई ए बी, अपन ने नाम दे रखा है सबको, इक्वल एच मीटर, मीटर में आएगी ये, मीटर में, तो ये मीटर में, ठीक है। तो अपन जो पूछ क्या रहा है एच, तो इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, सब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ठीक है। तो अब देखो एक बार, और रस्सी की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसी अपन ये बनाया है, खुद से बनाया है, दिया नहीं रहा, खुद से बनाया, कहीं में देगा भी, अपन ये खुद बनाया है त्रिभुज ए बी सी में, ये पूछ रहा है। तो अब देखो ऐसी चीज, देखो साइन कोस टैन कोट कोट सैक कोसैक, ऐसी वो बताओ जिसमें साइन लंब करण और लंब दोनों आते हो। लाल बटा का कब बड़ा आपने, एल ए एल के ए, साइन भी आता है लंब बटे करण आ रहा है, उससे भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं साइन से करके दिखाता हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, सबसे पहले लिख दे, चूंकि साइन थीटा बराबर एल बटा के, लंब बटा करण, इनकी वैल्यू पुट कर दूं, लंब कितना है थीटा, यहां पे लंब क्या होगा, ये एच अपॉन में 20, साइन थीटा कितना दे रखा अपन को, साइन 30 डिग्री, एच अपॉन में 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 अपॉन 2, 0 डिग्री, उसके बाद में क्या आती है, 0 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू जल्दी से देखो क्या होती है, 1 अपॉन 2 इज इक्वल एच अपॉन में 20, बद्रगुणा कर दूं तो ये क्या हो गया, 2H इज इक्वल 20, एच इज इक्वल 20 अपॉन में 2, कितना आ गया 10। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, आते हैं
खंबे की लंबाई, सॉरी ऊंचाई, ए बी इज इक्वल क्या आ गई अपने पास में 10 मीटर। ठीक है, एक फॉर्मेट तो ये है, दूसरा फॉर्मेट आप बोलोगे सर सर लंब बटा कर्ण तो उसमें भी आता कोसेक में, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, कोसेक से भी हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू रख देना, उसमें क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या होता है, कर्ण के आपने पास में 20 मीटर, इससे भी हो जाएगा, यानी दोनों फॉर्मेट में इसकी सिमेट्री कर दोगे दोनों सही है आपके, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये क्या अपना फाइनल आंसर, अपन ने किया क्या, एक त्रिभुज बनाया, रस्सी की लंबाई दे रखी थी 20 मीटर, माना खंबे जो दे रखा है उसको मानना है, जैसे अपने थर्ड चैप्टर में किया था, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर, ऊंचाई है तो h कुछ भी मान सकते हो, अब h मान लो, त्रिभुज एबीसी में अपन ने बनाया था साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, कुछ ही नहीं किया, वैल्यू पुट की है साइन थीटा की, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरीके से, क्या रहते क्या रहे ना रहे कुछ क्वेश्चन, तो देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये सपोज एक पेड़ है, ये क्या है एक पेड़ है, वो आंधी आने से क्या करता है टूट जाता है, यहाँ पे जमीन है जिस पे खड़ा है, ये क्या एक पेड़ है, आंधी आने से टूट गया तो टूटा हुआ भाग नीचे तो आएगा, यानी मोड़ा ही है पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, तो ऐसे नीचे आ जाता है, जमीन के आगे टच हो गया तो नीचे जो जमीन पे टच हुआ, ये जमीन पे टच हो गया यहाँ पे अंगूठे के पास, और यहां तक की दूरी जहां पे वो पेड़ खड़ा है, जहां का वो पाद बिंदु है, पाद बिंदु यानी जहां से पेड़ का नीचे का सिर है, मैं वो डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये पेड़ है ये जमीन है, ठीक है, ये पेड़ टूट गया, ये जमीन थी ऊपर वाला टूटा हुआ भाग तो कहां पर नीचे बिट गया, ठीक है, ये लंबाई हो, ये पूरी लंबाई थी, ये आधी आधी हो गई, तो जो पेड़ का पाद बिंदु है जहां पे पेड़ खड़ा है और यहां तक की दूरी अपन को दे रखी है, जहां पे वो शिखर मुड़ के बिड़ा है जमीन पे, कितनी दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो एक सही डायग्राम बनाते हैं, तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या है ए बी और सी अपन ने माना है, तो जहां से पेड़ का पाद बिंदु है और पेड़ मुड़ के जहां पे टच हुआ है जमीन पे वो कितनी दूरी है 8 मीटर, वो कौन कितने को बना रहा है 30 डिग्री, इज दैट क्लियर, 30 डिग्री का कौन बन रहा है, ठीक है, तो देखो अपन ने पूछ क्या रहा है पेड़ की कुल लंबाई, ये भी हो रही है कुल, तो यो ही होगी, ये टूट गया टूटे बाद में मुड़ा है, पहले तो सीधा ही खड़ा था, तो सपोज मैं तो इसको तो मान लेते हैं h मीटर, तो इसको मान लेते हैं x मीटर, ये टूटा हुआ ये सीधा खड़ा है और ये टूट गया, ठीक है, अपन ने कुल लंबाई पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे, माना पेड़ के सीधे खड़े भाग की लंबाई जो सीधा खड़ा है जो बच गया, बचने के बाद ही बात कर रहा हूं मैं, जो बच गया ए बी इज इक्वल कितना एच मीटर, तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग टूटे हुए भाग की लंबाई
एसी इज इक्वल एक्स मीटर, ठीक है। और बीसी अपन को दे रखी है, याद लिख लेना कितना है 8 मीटर। जब अपन को दिया है बीसी 8 मीटर और एच मीटर, और एक्स मीटर ये क्या है, पेड़ की लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले एस सी पॉइंट दे, ऐसा फलन ढूंढो जिसमें एच लंब और आधा रहता हो, टेन। तो मैं लिख सकता हूं चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अपन को दोनों एक साथ नहीं लगा, अब आप सोच रहे हो इसमें साइन थीटा क्यों लगाया, ये एच और ये एक्स दोनों सेम वैल्यू रहती, दोनों का ही मान नहीं आता, दोनों बराबर में आ जाती। अब अपन ने एक फलन लिया है, ओनली एक एच, तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। एल अपॉन के, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो अपन कितना टेन कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, इक्वल लंब कितना है अपने पास में, यहाँ पे है तो लंब क्या होगा, ये एच अपॉन में 8, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 8, वज्र बड़ा करते, ठीक है, √3 = √3x = 8। आगे सोल्व करते हैं तो एच इक्वल क्या आ गया अपने पास में, 8/√3, एच की वैल्यू आ गई अपने पास में मीटर, ठीक है। तो चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं इधर से। एच की वैल्यू तो आ गई, तो अपने पास एच की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अपन को क्या चाहिए, एक्स, एच तो आ गया, अब क्या चाहिए, एच। तो ऐसी ऐसे फलन ढूंढो जिसमें क्या है, करण और आधार दोनों आ जाए। तो अपने को अपना दिमाग चलेगा, लाल बटे कक्का, आधार एल ए एल, बीच में क्या है ए, और नीचे क्या आ रहा है के ए के, किस में आ रहा है, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है ए अपॉन के, आधार आ गया करण आ गया, ठीक अपना काम हो गया। कोस 30 डिग्री इज इक्वल, आधार क्या है अपने पास में 8, और करण क्या है एक्स। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। और ये अपने पास में कितना है, 8/x। वज्र गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, √3x = 16। एक्स इक्वल कितना हो गया, 16/√3, एक्स की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। तो पेड़ की कुल लंबाई, अब जवाब आती है बात, अतः पेड़ की कुल लंबाई इज इक्वल एक्स प्लस एच। अब कई बच्चे यही गलत कर जाएंगे, इन दोनों की वैल्यू निकाल के छोड़ जाएंगे। पूरा क्वेश्चन कहाँ होगा, पेड़ सीधा खड़ा भाग और गिरा हुआ भाग है, तो पेड़ ही, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दूं मैं, क्या 8/√3 + 16/√3, एलसीएम ले ले, √3 ये कितना हो गया अपने पास में, 8/16 = 24/√3। अब देखो 24/√3 ये कुछ अपन अंडर रूट को नीचे कभी छोड़ते नहीं है, ऐसे भी सही वैसे कंडे में, पर इसमें कोई टीचर हो वो आपका नंबर काटने का चांस दे रहा है, दे रहे हो आप उसको। इसका परिमेयकरण कर दे, तो परिमेयकरण क्या होता है, अंडर रूट को जो नीचे है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो अपने पास क्या हो गया यहां से, 24/√3/3, 3 से 24 काट दिया, यहां पे आ गया कितनी बार कर गया, 8/√3, ठीक है। तो देखो अब 8/√3 हो गया, मैंने पिछली बेसिक इंट्रोडक्शन में √3 की वैल्यू लिखवाई थी कितनी होती है, यहां से उसको पुट कर दो, 8 × 1.732, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा अपने पास में 1732 × 8,
8 to 16, 8 3 24, 25, 2 8 7 56, 8 5 8 1 8 5 13, 13.856. कितना आ गया अपने पास? 13.856. चलो फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास? 13.856। ये क्या अपना फाइनल आंसर? ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अपन जब पूछ के रहा था कोई पेड़ का, ये ऐसे था, सीधा खड़ा था, इसका आधा भाग मुड़ गया, टूट गया आंधी आने से, टूट गया तो जमीन पे बिठ गया नीचे, जहां पे जमीन पे बिठा और वहां से पेड़ का पाद बिंदु है जहां पे पेड़ खड़ा है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। अपन ये लिख दिया, माना पेड़ की सीधे खड़े भाग की लंबाई एच मीटर ये अपने मानी है, और जो बिठ चुका है तो पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई, तो टूटा हुआ भाग यहाँ से तो टूटा है, वैसे तो सीधा खड़ा ही है, बीच में टूटा है, ये ध्यान रखना। इससे वैल्यू निकलेगी, क्योंकि सिंगल अचर होगा ना तभी वैल्यू निकल सकती है, वरना वैल्यू नहीं निकलेगी। तो टैन थीटा दिया जिसमें क्या था, लंब बटा करण, लंब और करण, सॉरी लंब और बटे आधार, आधार के 8 मीटर, इससे वैल्यू निकाल लिया एच की, और यहाँ से कोस थीटा से हमें निकाल लिया एक्स, तो कुल पेड़ की लंबाई एक्स प्लस एच दोनों को जोड़ दी, ये भी पेड़ ही है और ये भी पेड़ ही है, दोनों को जोड़ दिए, वैल्यू निकाली। तो कभी भी इसमें अंडर रूट को ऐसे मत छोड़, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये काम आएगा इसमें, अपन वैल्यू देख कभी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी मत पढ़ना, क्योंकि इसमें अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको पहले से दे सकता है, वरना आपको करके आना पूरा यहाँ तक। तो ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऐसे बने रहने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।